आगरमालवा मध्य प्रदेश उपचुनाव में शिवसेना भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर महावर में बुधवार को 7 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर 28 सीटों पर जल्द प्रत्याशी घोषित करने की बात कही थी। प्रदेश अध्यक्ष महावर ने कहा कि हमारे प्रत्याशियों को डराया धमकाया जा रहा है, मगर हमारे प्रत्याशी किसी भी धमकियों से डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में हमारे शीर्ष नेतृत्व चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेगा, साथ ही जिन विधानसभा सीटों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाएगा वहां पर शिवसेना निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना चोर चोर मौसेरे भाई का विरोध करेगी। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। जहां पर विधानसभा उपचुनाव है वहां दूसरे जिले के पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जिसमें आगर जिला प्रमुख मुकेश दांगी को ब्यावरा विधानसभा से चुनाव प्रत्याशी घोषित हुआ है। मुकेश दांगी ने बताया कि चोर चोर मौसेरे भाइयों द्वारा लीपापोती की राजनीति की जाती है और किसान की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती। इसलिए शिवसेना किसानों के साथ खड़ी है और गाय जो कि हमारी माता है उसको दो टाइम का चारा नसीब नहीं हो रहा। गायों के लिए गौशाला की सुविधाएं की जाएंगी और जो युवा बेरोजगार है उनको भी रोजगार देने का कार्य शिवसेना करेगी।